Good morning students, welcome back in online classes. As you know, from today onwards we are going to have online classes through the new software, which will be very easy for us. So let's start our chapter number 7. अब हम chapter 7 की reading करेंगे, visit to a shopping mall. A minute of thinking. Is there any differences between a shop and shopping mall? Where do you like to go for shopping, shop or a mall? Read and enjoy this story. चलिए बच्चों, अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं. आपके चैप्टर 7 का नाम है विजिट टू अ शॉपिंग मॉल, जिसकी मीनिंग होती है शॉपिंग मॉल का दौरा या शॉपिंग मॉल की यात्रा. A visit to a shopping mall is always exciting for someone who has resided in a rural area all his life. एक शॉपिंग मॉल की यात्रा हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रोमांचक होती है जिसने अपना पूरा जीवन जो है ग्रामीण एरिया में बिताया हो. Rajat was always excited about tall buildings, shopping malls and big restaurants. Rajat जो है हमेशा बहुत excited रहता था ऊँची इमारतों, shopping mall और बड़े restaurant के को लेकर. He happened to have a chance to visit his aunt who stays in the city. वह जो है अपनी आंटी के साथ उसे मौका मिला जो सिटी में रहती थी घूमने का. ही रीचेज शी वुड टेक हिम टू अ शॉपिंग मॉल टू विच शी हैड रीडली अग्रीड. उसने जो है जाने से पहले जो है उसने अपनी आंटी से कहा कि मुझे वह मॉल देखना, मॉल ले जाएगी. तो उनकी आंटी ने भी आसानी से कह दिया कि हाँ बिल्कुल ले चलेंगे, मतलब सहमति दे दी. द शॉपिंग मॉल दे वेंट टू वॉज नॉट फार फ्रॉम हिज हर रेजिडेंस एंड वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन द सिटी. और वह शॉपिंग मॉल गया जहाँ पे उसका जो घर था उनकी आंटी का, वो शहर के सबसे बड़े मॉल में से के पास में ही था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था. Suddenly their cab stopped near an enormous building. अचानक जो है उसकी कैब एक बड़ी बिल्डिंग के पास आकर रुक गई. Rajat was left with his jaw hanging when he looked at the enormity of the structure. और Rajat जो है बहुत ही आश्चर्य में डूब गया इतनी बड़ी बिल्डिंग के बिल्डिंग को देखकर. इट स्पैंड द लेंथ इक्विवेलेंट टू 10 हाउसेस इन हिज डिस्ट्रिक्ट. उसने देखा तो उसे लगा कि उसके जिले के 10 घरों के बराबर इसकी लंबाई है. एज दे वर नियरिंग द एयर कंडीशनिंग, और जब वो अंदर एंटर कर रहा था, प्रवेश कर रहा था, तो उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई. Rajat felt gush of cold air coming from inside, not being very used to air conditioning. Rajat के लिए ये थोड़ा सा नया था क्योंकि उसने कभी भी एयर कंडीशनिंग का यूज़ नहीं किया था. इट वॉज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम, इसके लिए वो नया एक्सपीरियंस था. हिज आंट टोल्ड हिम दैट शी वुड बाई न्यू क्लॉथ्स एंड शूज़ फॉर हिम. उसकी आंटी ने बताया कि वह उसके लिए नए कपड़े और जूते खरीदेगी. देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड इनसाइड द मॉल एंड लाउड म्यूजिक प्लेड. और बहुत ही मॉल के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ थी और बहुत ही तेज़ म्यूज़िक बज रहा था. एट वन पार्टिकुलर कॉर्नर देयर वाज अ म्यूज़िक इवेंट इन प्रोग्रेस. एक मॉल के अंदर एक कोने में बहुत ही बड़ा म्यूज़िक इवेंट चल रहा था. देयर वर मेनी डिफरेंट सेक्शंस इन द शॉपिंग मॉल.
और शॉपिंग मॉल में कई अलग अलग सेक्शंस बनाए गए थे शॉपिंग के लिए। एवरी सेक्शन हैड इट्स क्राउड ऑफ कस्टमर्स। प्रत्येक सेक्शन में भीड़ लगी हुई थी कस्टमर्स की। द फर्स्ट सेक्शन हैड शॉप सेलिंग द हाउस होल्ड थिंग्स एंड ऑल द ग्रॉसरीज। और पहले सेक्शन में घरेलू सामान और सभी किराने की बेचने की दुकानें थी। हिज आंट शॉप्ड फॉर द मंथली राशन। उनकी जो आंटी थी उन्होंने मासिक राशन के लिए रुक गई वहाँ पे। शी टुक मेनी थिंग्स लाइक सोप्स पल्सेस एंड स्पाइसेस। और उन्होंने वहाँ से कुछ साबुन दालें और मसाले खरीदे।